छिंदवाड़ा जिले के मेघासिवनी ग्राम में विगत कुछ वर्षों से महिषासुर बोले तो महिषासुर जो कि आदिवासियों के बोदाला पेन बोलते हैं उसको लेकर प्रतिमा बनाकर इस सांकेतिक रूप से पूजा करते इस नवरात्र के समय में चलते आए, जिसको लेकर विभिन्न धार्मिक संगठनों में आपसी विवाद की स्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर प्रशासन ने सीधे सीधे वहाँ पर उनकी प्रतिमा को नहीं बिठाने जो महिषासुर की प्रतिमा को नहीं बिठाने का बात किया और जिसको लेकर आदिवासियों के बीच में एक आपसी तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर देवरान भलाबी जी और मिथुन दुर्वे और बहुत सारे युवा साथी वहाँ पर जो छिंदवाड़ा जिले का थाना क्षेत्र है वहाँ पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने प्रशासन से कहा कि हमको हमारा संस्कृति को न दबाइए। अरे हम आपकी बात का कर रहे हैं भाई, हम जो आपके आयोजक है उनको कोई लेके आए, कोई आयोजकों से बदतमीजी कर, आयोजक के पास आप गए थे? नहीं, नहीं आयोजक के पास गए ना हम। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं गए? बोला भी था बात करने के लिए। दीपक का है, मुझे नाम याद है। बिना बात करे सर वहाँ से चल गए। अपन जो दीपक वहीं चले, आपके पास आने की जरूरत भी नहीं। मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि वो मेरी इनसे तुमसे ही तो बात हुई, आपने कहा कि एसडीएम साहब से बात करेंगे। अच्छा सिंगोड़ी प्रभारी आए तो नहीं, उनने बोले ठीक है हम कॉपरेट कर रहे हैं, वो निकल के कल में बात कर लेंगे। वो आए थे ना वहाँ के भी चौकी प्रभारी आए थे सिंगोड़ी वाले, बात कराने के लिए बोले थे। मैंने बोला आप सब चल जाइए, कल में जो भी हो सकता है मैं या तो आपके एसपी साहब से बात कर लूंगा या तो चौकी में आके बात कर लूंगा, लेकिन रात में थोड़ा सा क्या है, मैंने बोला लोगों के मन में डर है, है ना, चलो ले गए जैसा आपकी आप भी सोच सकते हैं, गाँव में कोई भी व्यक्ति रहे अगर तुरंत रात में ये चीजें आप हो सकता है आपके डिपार्टमेंटी तौर पे प्रशासनिक तौर पे ऐसी प्रतिमा स्थापना होने वाली है या फिर होती है, इस संबंध में एक बार जो बैठकें होती है आपको भी पता है, कोई भी त्यौहार आता है तो उसकी त्योहारी जो बैठक है उसमें उस संबंध में जो समितियां हैं या फिर ऐसे विवादित विषय में पहले पूर्व में चर्चा हो जाती है, लेकिन ये प्रशासनिक कमी रही है कि अक्सर कर जो ऐसे विषय में जो विवाद बनते हैं, ऐसे विषय में कोई कमी नहीं रही है। जिस जगह पे आपका पंडाल लगा हुआ है, जिस जगह पे आपका पंडाल लगा है मेघासिवनी में, सुनिए तो पहले मुझे बात तो कर लेनी थी। जिस जगह पे आपका पंडाल लगा है मेघासिवनी शासकीय स्कूल के पास, उस समय कार्यपालिक दंडाधिकारी ने बैठ के ये बात का इंस्ट्रक्शन दिया था कि नेक्स्ट टाइम से आप बिल्कुल भी इसका आयोजन मत करना जब तक कि एसडीएम साहब की परमिशन ना हो। आपने क्यों फॉलो अप नहीं किया? मेरा ये मानना है आपको बुलाना चाहिए था ना, गांव के व्यक्ति नहीं फॉलो अप कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, विवाद का विषय है ना, आप भी मानते हैं? नहीं नहीं, विवाद का विषय है तो एसडीएम साहब कलेक्टर की जिम्मेदारी है। आप ये इस बात का जवाब आपको वही मैं वाली बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं वही रात में आपके जो रात में लेके आए वो एक अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के निर्देश का पालन किया है। बिल्कुल ठीक है, और आपको अगर कोई बात कहना है तो आप एसडीएम साहब के कार्यालय में, यहाँ लेके आए थे इसलिए हम यहाँ पर आए कि आप जब भी कोई ऐसा विषय है, ये मिथुन भाई है या और कोई है, नहीं नहीं नहीं, मूर्ति निर्माण करने वाले को मैं तो निवेदन कर रहा हूँ आप सब जगह मूर्ति निर्माण करो, अपने धर्म के खातिर दूसरे व्यक्ति मरने के लिए तैयार है तो क्या करे भाई, रूढ़ी परंपरा है सती होती करेंगे, अब घर में बैठा लेंगे, अब तो बिठाना ही पड़ेगा ना, अब जो भी दिक्कत आए मैं तो निवेदन करता हूँ, जो भी दिक्कत आए सड़कों में निकलो, होगा उन्माद जो होगा होगा देख लेंगे, अब क्या करें, सबका अपने धर्म संस्कृति स्वतंत्र अधिकार है संविधान में, अपन संविधान में चढ़ाना भाई, कोऑपरेट कर रहे हैं थोड़ी किसी भी धर्म संस्कृति हम अपने ऊपर थोपे, हमारे दादा पूर्वक संस्कृति हम दूसरे की संस्कृति थोपे, हम ये चीज करेंगे अपन कल में जब हम बोल रहे हैं भाई सभी का धर्मों का हम सम्मान कर रहे हैं तो आपको हमारे धर्म से क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताओ या हम भैया तुम्हारे धर्म को मतलब गलत बोलते हैं कहीं वहाँ कुछ बात बात कर रहे हैं अपन, कोई नहीं कर रहे हैं विषय है, जब जब आदिवासी अपनी संस्कृति को मानता है तब तक यही ठेस होती है, सबका सम्मान कर रहे, लेकिन सबका अपन किसी धर्म का भी वो नहीं बोल रहे, नहीं बोलते, आप अपने धर्म को मानो, अपन अपने को मान रहे हैं, परमिशन क्यों, इतना क्यों उंगली करना, फिर रोड में हमें हमारा समाज का कोई धरना प्रदर्शन होता वहाँ हमें परमिशन नहीं मिलती, वहाँ बीच रोड में धक्का धक्का करके परमिशन मिल रही है, इसको हम क्या बोले, प्रशासन उनको नहीं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन लंगर नहीं डालता, वहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई बात नहीं करता, लिखित रूप से सूचित भी करे जिला कलेक्टर महोदय को, उसके बाद परमिशन लगाने के बाद ही हमें वो जगह नहीं आवंटित नहीं की जाती है, ये भेदभाव नहीं हमारे पास, क्या है आपको नहीं पता होगा क्योंकि इस क्षेत्र के जो एसडीएम है मुखिया वो है, इस क्षेत्र के एसडीएम साहब मुखिया वो, मैंने नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपत्ति दर्ज करवाए हैं कि भाई ये चीज है
जो है यहाँ पर हम इनके और इनके गोंगो करते हैं, हमारी भावना को ठेस ना पहुँचे और हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। कमी रही है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे संपर्क नहीं किए, वो एक सर्वव्यापी मत है जो आपने रखा है, तो उसमें बात करना चाहिए ना। ये पर्टिकुलर विषय नहीं, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर बुला के पूछना चाहिए था कि भाई इस संबंध में विवाद उत्पन्न हो सकता है, आप सभी जनप्रतिनिधि अभी पूरे एलआई वालों का फोन आपत्ति दर्ज करवाए, उनका कर्तव्य क्या है कि आप आओ भैया जो जो रेडियो पे आप बैठ के बात करो, बैठा रहे तो यहाँ से दूर बैठाना या यहाँ से ये करना, हम साथ लेके चल रहे हैं ना। पुलिस प्रशासन के खिलाफ कभी आदिवासी नहीं है, और कभी पुलिस प्रशासन भी आदिवासी के खिलाफ में जा भी नहीं सकता, उनको भी पता है। आपको भी पता है संविधान में आदिवासियों को जो विशेष अधिकार सब कुछ मिले हमारे संरक्षण के लिए मिले, लेकिन यहाँ हमारा संरक्षण कहाँ हो रहा है? हमारे संस्कृति का तो खुलेआम दोहन हो रहा है। त्योहार आते हैं हमें पूछना भी उचित नहीं समझते। ये विगत 10-12 साल से आपत्ति ये विषय में होता है, हर बार एसपी साहब भी बोलते कि बेटा गलती मत करो, कलेक्टर साहब भी बोलते नहीं ऐसा मत करो, हम जानते हैं हम आपका सम्मान करते, लेकिन उसके बावजूद भी जब त्योहार आते हैं तो बुलाएं तो आप, सब तो भूमिका पंडा है। जैसे आप अभी ये नवरात्रि में मीटिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, हमारे नहीं बुलाते उसमें, क्या बताइए आप? आपत्ति दर्ज कर रहे हैं इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि आपको ये ज्ञात रहे कि हम लोग थोड़ा सा उसमें हम लोग भी मिस्टेक हो रही है, हम लोग भी हमें भूले ना, लेकिन हर बार भूल जाते हैं प्रशासन। अब इसी वजह से तो ये सब विवाद हो रहा है, आपसे बहस करना पड़ रहा है, जबकि आपका तो व्यक्तिगत कोई मसला है नहीं, प्रशासन भी नहीं है, हमारा तो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है। आपने कहा कि हम आप लोग हमें भूल जाते हैं, 4 घंटे जिसका मुद्दा चला था पिछली बार, वो चीज आप भी तो कहाँ भूल गए? रावण दहन मना किया था पोला ग्राउंड के अंदर, 20,000 लड़के लेकर आराम कर रहे हैं, केवल उस विषय की बात जो वो तो हर साल होगा और 2-4 लोग और बढ़ाएंगे उसमें, लेकिन दिक्कत वो ये कि इस संबंध में जो भी अधिकारी है वरिष्ठ अधिकारी उनको आप बोल दीजिए, आपके माध्यम से बोल देते हैं हम कि ऐसे संबंध में और कोई उपद्रव ना हो, इससे रिलेटेड जो समाज के लोग हैं उनसे बैठ के आप बात कर लीजिए ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना हो, आप ये कर दीजिए ना। और हर साल यही विवाद होता है, संपूर्ण ईमानदारी शासन प्रशासन हर साल ही हो रहा है ना विवाद, तो ये हर समय हो रही है। बारिश होती है तो कलेक्टर साहब पहले ही बोल देते ये नदी का मरम्मत कराओ, इसका कराओ, अब जो विवाद होने से पहले क्यों नहीं बोलते भैया ये सब कराओ करके, ये कर्तव्य बनता है कि बिल्कुल लेकिन अब क्या बताए, वो आदिवासी टंगे रहे इसमें कोई चर्चा ही ना करें, इनकी कोई भावना नहीं है, संस्कृति नहीं है, बस इसको मानो भैया, पूरा देश इसको मना। आप सभी से निवेदन है पहुंचे कल एसडीएम कार्यालय में मिलते हैं भैया सभी, ज्यादा से ज्यादा संख्या, कल जितने भी है परिवार वाले जितने भी दोस्त भाई हैं, कल से कम से कम 5-10 हजार लोग ही, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें कल 5-10 हजार लोग पूरा।